हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और सुनाइए, आप लोगों के यहाँ सब ठीक है ना? तो आज ना मैं अप्पे बनाने जा रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। उसका मैंने बैटर तैयार करके रख लिया है। ये सूजी और दही से बनता है। इसमें 500 ग्राम सूजी ली है मैंने, और 500 ग्राम सूजी के लिए 2.5 ग्राम दही चाहिए। दही दही है ना, खट्टा ज़्यादा नहीं हो। खट्टा होता है तो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। ताज़ा दही फ्रेश होना चाहिए। तो मैंने ये देखो बैटर तैयार कर लिया, आपको दिखा रहे हैं। ये देखो ऐसा। और अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको ना थोड़ा हम रेस्ट के लिए रखेंगे, आध घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा इसमें पानी जरूर मिला लेना। अभी हम इसको ढक के रख दे रहे हैं, तब तक इसके लिए सब्जियां काट ले रहे हैं। जब इसका बैटर बनाते हैं ना, तो इसमें नमक वगैरह अभी नहीं डालेंगे। वो जब डालेंगे, जब इसको मतलब बनाएंगे तब, क्योंकि अभी तो इसको आध घंटे के लिए मैंने रख दिया है। तब तक ये अच्छे से सूजी फूल जाएगी, फिर इसके बहुत अच्छे अप्पे बनते हैं। और मैं इसमें कभी सोडा वगैरह नहीं मिलाती हूँ, मैं बगैर सोडा के ही बनाती हूँ, और बहुत अच्छे बनते हैं, फूले फूले बनते हैं। मैं तब तक अप्पे के लिए हरी चटनी बना लूँ। ये मैंने धनिया काट लिए, और इसमें 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं काट के। मिर्च थोड़ी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से, चटनी कैसी खाते हो, खट्टी अगर ज्यादा तीखी खाते हो तो थोड़ी सी ज्यादा डाल लेना, अगर कम खाते हो तो थोड़ी सी कम डालना। और इसमें ये 2 कली लहसुन की, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी हींग, और 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, छोटी चम्मच है ये। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे, ओ फैल गई, थोड़ी सी डालेंगे भुजिया। भुजिया से क्या होता है ना, ये जो चटनी होती है ये थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल ले। और इसमें नींबू, इसमें 1 नींबू डालना है। इसके नींबू के हम बीज निकाले। नींबू का बीज चला गया था। पूरा 1 नींबू डालना है। सब इसका ढक्कन लगा के चटनी को तैयार कर ले रहे हैं। चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये देखो, ये देखो हरी चटनी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे अप्पे के साथ हरी चटनी ज्यादा पसंद है। अभी हम इसमें राई का तड़का लगाएंगे। तेल हो गया है। अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे, टमाटर, प्याज,
शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, प्याज, थोड़ी सी हरा धनिया भी डालेंगे, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पिसी हुई, एक पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च इसमें नहीं डालेंगे। अगर आप डालना चाहो लाल तो डाल लें, क्योंकि मैंने ना हरी मिर्च डाली है, फिर ये ज्यादा तीखा हो जाएगा। अगर डालना चाहो तो थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई डाल सकते हो, ऐसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें, इसलिए हम नहीं डालेंगे। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया बनाने के लिए। ये देखो सारी चीजें मिला ले रहे हैं सभी में। ये देखो मिल गया, अब बनाएंगे इसके अप्पे। अब हम बनाने जा रहे हैं अप्पे, इनमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तेल हमारा हो गया है, अब इसे ये हम मटर डालेंगे इसमें। में हर अप्पे पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे, बस 3 मिनट बाद इसको पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा सभी में तेल लगा दिया हमने, और बस स्लो आंच में ही, ज़्यादा तेज आंच में नहीं सेकते। 3 मिनट हो गए, एक तरफ अप्पे है ना सिक गए, और 3 मिनट बाद दूसरी तरफ भी पलट देंगे, वो भी सिक जाएंगे। अप्पे ये देखो मेरे इतने अप्पे बन गए हैं, 2-3 पहले ही मतलब पूरे तैयार हो गए थे तो वो मैंने निकाल दिए, बाकी ये देखो सारे बन गए हैं। ये देखो
ये देखो बन गए गर्मा गर्म हमारे अप्पे, कितने बढ़िया फूले फूले बने हैं। खाने हो तो भाई आ जाओ। और ये हरी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। हमारे अप्पे बन गए, खा भी लिए सब लोगों ने, अभी इतने रह भी गए हैं, अब बस ये रख दे रहे हैं। अब आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।